सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज किस अपने फाइनेंस बताने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से किस तरह से बनाएंगे। आज की इस वीडियो में फाइनेंस बताने वाला हूँ, जो कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम कार्ड रहता है उसका पिन अपने मोबाइल फोन से आप जनरेट कर सकते हैं, अपने मोबाइल फोन से ये सारा काम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में फाइनेंस बताने वाला हूँ कोटक महिंद्रा बैंक का अपने मोबाइल फोन से डेबिट कार्ड का पिन ऑनलाइन किस तरह से अपने मोबाइल फोन से बनाएंगे। आज की इस वीडियो में फाइनेंस बताने वाला हूँ, आप कोई एटीएम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने में छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नहीं तो चैनल कर दो सब्सक्राइब और कर दो ये बेल आइकन को प्रेस, मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। आपको यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र यहाँ पे ओपन कर लेना। क्रोम पर जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे इसमें आपको टाइप करना है www.kotak.com लिखते आपको यहाँ पे सर्च करना है। देखिए यहाँ पे मिल गया www.kotak.com लिखते आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे आपके पास इस तरह का डिस्प्ले आपके पास यहाँ पे शो होगा। आपको यहाँ पे ये एप्लीकेशन 3 डॉट पे जाकर आपको यहाँ पे डेस्कटॉप से साइट कर लेना, ताकि ये कंप्यूटर जैसा पूरे सही तरीके से ओपन हो जाए। पहले से देखिए यहाँ इसको मैं यहाँ कर लिया हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे साइड में आपको देखिए कि 3 लाइन का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा, यहाँ पे देख इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, मैं थोड़ा यहाँ पे जूम करके आपको यहाँ पे दिखला दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारा लोन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे डिपॉजिट, यहाँ पे कार्ड्स का ऑप्शन। देखिए आपको यहाँ पे कार्ड्स है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन, आप यहाँ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे फास्टैग फॉर ये सब मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड सर्विस, डेबिट कार्ड सर्विस, यहाँ पे ये सब का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा गिफ्ट कार्ड बैलेंस इंक्वायरी, आपको इन देखिए यहाँ लिखा है साइड में जनरेट पिन फॉर ऑल कार्ड्स, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये इस तरह का इंटरफेस आपके पास खुल के यहाँ पे शो करेगा। देखिए यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन, यहाँ पे 3 स्टेप आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, डेबिट कार्ड यहाँ पे, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, फॉक्स कार्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करना है। डेबिट कार्ड पे जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पे 3 स्टेप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे वीज़ा रुपए, यहाँ पे मास्टर कार्ड, यहाँ पे आपको यहाँ पे मास्टर कार्ड, आपको 3 स्टेप यहाँ पे आपको यहाँ पे वीज़ा रुपए कार्ड पे क्लिक करना है। आपको देखिए फर्स्ट में आपको डेबिट कार्ड कार्ड नंबर आपको डालना है, सेकंड में आपको मंथ डालना है, आपको यहाँ पे इसमें आपको ईयर डालना है, आपको यहाँ पे CCV नंबर डालना है जो आपके कार्ड के बैक साइड में रहता है, वाइट के साइड में रहता है। यहाँ पे अब नीचे में आपको न्यू पिन, आपको कंफर्म पिन आपको एंटर करना है, जो पिन आप एटीएम कार्ड का रखना चाहते हैं वो पिन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कम से कम 6 डिजिट का आपको पिन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करना है। चलिए फटाफट से पूरी डिटेल्स यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे डाल दिया, कन्फर्म पर क्लिक करना। कन्फर्म पर जैसे ही क्लिक करना है आपको थोड़ा पे वेटिंग करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP गया है, OTP को आपको यहाँ पे डालना है, क्लोज पे क्लिक करना है। जो OTP आया है यहाँ पे मैं फिल कर दे रहा हूँ OTP को, यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे, थोड़ा वेटिंग करना है। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल यहाँ पे पिन जनरेट हो चुका है, आपके ईमेल पे एक मेल जाएगा, इस पर आप जाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर दे देगा, आपके मेल में जो मैसेज आएगा वहाँ पे पता चल जाएगा मेरा पिन वहाँ पे सेट सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल ये पिन जनरेट हो चुका है, आपका डेबिट कार्ड का यही पिन रहेगा, इसी से आप पैसा निकाल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, मेरे में कहीं कन्फ्यूजन कमेंट करके पूछ सकते हैं।